हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ प्लांट ऑर्गन। तो इसमें हम बात करेंगे रूट, स्टीम और लीफ के एनाटॉमी में। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो एनाटॉमी ऑफ रूट रहेगा। तो रूट में हम सबसे पहले डाइकॉट रूट को देखेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, वेरियस सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो प्राइमरी रूट से क्या होते हैं, अराइज होते हैं फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टीम, जो कि सैचुएटेड होता है सब टेरेनियल पोजीशन एंड यूजुअली रिमेन बाय द रूट कैप। रूट कैप सबसे नीचे पाया जाता है, देन यहीं से क्या होता है, बहुत सारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो रूट जनरली शो करता है मच सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो है नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं वो प्रेजेंट्स नहीं होते, ना ही लीव्स होते, ना ही बर्ड्स होते हैं और ना ही लैटरल अपेंडिज देखने को मिलता है स्टीम के तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, सिंपल होता है। अगर हम सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसे इपीडर्मिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इपीडर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इपीडर्मिस क्या होता है, रूट का सिंगल लेयर होता है, बट फ्यू केसेस में ये क्या हो जाते हैं, मल्टी लेयर हो जाते हैं। ये जो होता है मेडअप होता है, क्लोजली पैक्ड होता है थिन वाल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स का। ये जो सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में और अपीयर्स करते हैं रेटेंगुलर आइसोडायमेट्रिक या फिर ओवल्स ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, जो इपीडर्मिस होते हैं उसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंट होते। इपीडर्मिस पे क्या होता है, कभी कभी हमें जो है रूट हेयर्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं या फिर लार्जर भी, सेल्स जो होते हैं मतलब स्मॉल या फिर लार्ज साइज के देखने को मिलेंगे। जो स्मॉल्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइकोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सेल होगा वो थिन वाल्ड होगा, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। इसे हम लोग जो इपीडर्मिस होता है उसको एनदर नेम इपीब्लेमा, पिलीफेरस और राइजोडर्मिस नाम से भी जानते हैं। जो मेन फंक्शन होता है एपिडर्मिस का वो होता है कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग और हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स में। अगला है वेलमेन। इसका क्या होता है कि जब जो इपिडर्मिस हो जाता है वो मल्टी लेयर का हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेलमेन कहते हैं, जो कि मेडअप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वाल्ड और नॉन लिविंग सेल का। यहाँ पे जो है हमें सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं ड्राई, मतलब एयर शो हो जाते हैं, एयर फील होता है ड्राई सीजन में और वाटर जो होता है वो फील होता है वेट सीजन में। जो मेन फंक्शन होता है इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये स्ट्रक्चर है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, इपीडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे पिलीफेरस नाम लिखा गया, उस पर क्या होता है रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि स्मॉल हो सकते हैं या फिर लार्ज हो सकते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या होता है कि हमें अगर मल्टी लेयर पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलेमेन कहते हैं। कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में क्या होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो रूट होता है कॉर्टेक्स का, तो वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द पेरिब्लम से या फिर ग्राउंड मेरिस्टीम ऑफ एपिकल मेरिस्टीम से। साथ में किसका बना होता है, थिन वाल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है विथ प्रोमिनेंट एयर स्पेसिस। जो कॉर्टिकल सेल्स होता है वो प्रोसेस नहीं करता है क्लोरोप्लास्ट को, बट ये स्टोर करता है स्टार्च और ग्रेन्स को। एक्सोडर्मिस बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे जो मैनी मोनोकॉटिलीडॉन्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, लेकिन डाइकॉटिलीडॉन्स में हमें बहुत कम देखने को मिलता है एक्सोडर्मिस। और ये होता क्या, आउटर फ्यू लेयर होता है किसका, कॉर्टेक्स का, जो कि बना होता है थिक वाल्ड सेल का। ये सेल जो लेयर होता है एक्सोडर्मिस का उस वो नॉर्मली क्या होता है कि हमें मोनोकॉट में देखने को मिलता है। जो एक्जोडर्मिस होता है वो क्या होता है, सबमराइज्ड वाल्स होते हैं और वो कंटेन करता है किसको, प्रोटोप्लास्ट को। अगला है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का, जबकि आउटर मोस्ट क्या था, एक्जोडर्मिस था। ये सिंगल लेयर होता है जो कि मेडअप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज बैरल सेप्ड सेल का। इसका मेन फंक्शन क्या होता है इंडोडर्मिस का, कि ये प्रोवाइड करता है एयर टाइट मैकेनिकल प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने में रूट के प्रेशर्स को। ये आल्सो प्रिवेंट करता है कि जो लीकेज ऑफ न्यूट्रिएंट है वो वैस्कुलर टिश्यू से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, सही मूवमेंट हो रहा है कि नहीं वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट का।
इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक पेरिसाइकल्स का लेयर पाया जाता है। पेरिसाइकल्स जो होता है वो आउटर बाउंड्री होता है वेस्कुलर सिलेंडर का। ये नॉर्मली कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है जो कि बना होता है थिन वाल लिविंग सेल पैरेन्काइमा का। इसका मेन काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट बाई एक्टिंग एज ए साइट ऑफ देयर ओरिजिन डेवलपमेंट पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। और दूसरा क्या होता है, डेवलप करता है कॉर्क कैम्बियम को इन केस ऑफ डाइकोट, जो कि शो करता है किसको, सेकेंडरी ग्रोथ को। अगर वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है रूट में, वो कंसिस्ट करता है अल्टरनेटिंग जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड को फ्रॉम टिपिकल रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं किसके द्वारा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा होते हैं। जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, एक्स आर्च टाइप का होता है। एक्स आर्च यानी कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो क्या होगा, पेरीफेरी पे होगा। अगर ये क्या होगा हमारा, इसे हम पेरीसाइकल्स भी कह सकते हैं या फिर पेरीफेरी कहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम पाया जाएगा, जबकि सेंटर में क्या होगा, मेटाजाइलम पाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स आर्च कहते हैं। और जो नंबर होता है जाइलम स्ट्रैंड का वो लेस देन 8 होता है, यानी कि यहाँ पे जो जाइलम का स्ट्रैंड पाया जाएगा वो 8 से कम होते हैं डाइकॉट में। अगर 8 से ज़्यादा तो वो किस में होंगे, मोनोकॉट में होंगे। जो फ्लोएम स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक्स आर्च टाइप का होता है और वो शो करता है प्रोटो फ्लोएम जो होता है वो क्या होंगे, पेरीफेरी पे होंगे, जबकि जो मेटाजाइलम होंगे वो इनर साइड यानी कि जहाँ पे पिथ होगा उस साइड क्या होंगे, वो प्रेजेंट होते हैं। अगर पिथ की बात करें तो पिथ क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है रूट का जो कि कंसिस्ट करता है, ऑक्यूपाइड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल होता है या फिर अब्सेंट होता है डाइकॉट रूट में, जबकि ये प्रोमिनेंट होता है और वेरी लार्ज वेसल्स हमें मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। ये बना होता है थिन वाल लिविंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू विथ इंटरसेलुलर स्पेस। ये स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, इपिडर्मिस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ में वेलेमन इपिडर्म लेयर पाए जाते हैं, कुछ में डाइकॉट में नहीं भी पाए जाते। देन उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स का रीजन आता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, कुछ में ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमें क्या होता है, एक आउटर जो है वो लेयर देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स का, तो उसको एक्सोडर्मिस कहते हैं। कुछ डाइकॉट में होता है, नॉर्मली हमें मोनोकॉट में देखने को मिलता है, जबकि जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का उसको क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस कहते हैं। जस्ट उसके नीचे इंडोडर्मिस के क्या पाया जाता है, पेरिसाइकल्स पाया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक्सार्च टाइप्स के जाइलम और फ्लोएम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्रोटोजाइलम्स होंगे वो क्या होंगे, पेरीफेरी पे होंगे, और जो मेटाजाइलम होंगे वो क्या होंगे, बीच में जो है वो अरेंज्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, जो प्रोटोजाइलम है वो क्या है, पेरिफेरी पे, और जो मेटाजाइलम है वो क्या है, सेंटर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, वेलेमन होता है। वेलेमन जो होता है वो कंसिस्ट करता है सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल विथ स्पायरली थिकेंड, और वो कैसा होता है, परफोलेटेड होता है, जो कि एक्ट करता है स्पॉन्ज यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने का काम करता है। वेलेमन क्या होता है, मल्टी लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के तरीके से एक्ट करना, जो कि प्रिवेंट करता है अंडर जो वाटर लॉसेस होते हैं उसको कम करता है फ्रॉम द डेलिकेट कॉर्टिकल सेल ऑफ द एक्सपोज एरियल रूट। देन उसके बाद क्या होता है, एक्सोडर्मिस लेयर होता है, जो कि क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, कॉर्टेक्स का। ये जो लेयर होता है ये किसका बना होता है, कंपोज्ड होता है अल्टरनेटिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल। जो लॉन्ग सेल्स होते हैं वो बिकम कैसे हो सकते हैं, थिक वाल्ड हो सकते हैं ऑन देयर रेडियल, और आउटर टेंगेंस्टियल सर्फेस पे कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मतलब बट स्मॉल होते हैं। सेल्स रिमन थिन वाल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव सेल कहते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाता है, वेलेमन कहलाता है। देन उसके बाद क्या होता है, एक्सोडर्मिस का लेयर पाया जाता है। देन उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है थिन वाल पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा। जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का वो क्या होता है, इंडोडर्मिस कहलाता है, जो कि कंसिस्ट करता है कॉम्पैक्ट बैरल शेप्ड सेल, और वहाँ पर क्या होता है, स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पेरिसाइकल्स की बात करें तो ये जस्ट क्या होता है, इंडोडर्मिस के नीचे यानी कि इमीडिएटली बीनीथ द इंडोडर्मिस के बाद एक सिंगल लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिसाइकल कहते हैं। ये जो वाल होता है इसका, ये कैसा होता है, थिन वाल्ड होता है।
ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इपिब्लेमा है यानी कि इन इपिडर्मिस या फिर वेलेमन, देन उसके बाद क्या है कॉर्टेक्स है, फिर उसकी जस्ट नीचे क्या है इंडोडर्मिस, और उसके बाद क्या है हमारा पेरिसाइकल्स पाया जाता है, देन उसके बाद क्या आता है वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम अरेंज होते हैं। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं, और जो जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड होते हैं वो इक्वल इन नंबर अरेंज होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। जो जाइलम होता है वो एक्सार्च टाइप का होता है, और जो फ्लोएम बंडल्स होते हैं वो मेडअप होता है स्लीव ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा का। जो पीथ होता है वो कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, और हेल्प करता है डेफिनेट इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा पीथ में। जो पीथ है यहाँ पे इन सेंटर में, यहाँ पे क्या होगा हमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।